This is Rohit and we are going to start the new chapter today. And the name of the chapter is Political Parties in India. ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि क्लास 10th का बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत अच्छा चैप्टर है. तो पढ़ते हैं क्या है. देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज क्या है. हम एक डेमोक्रेटिक नेशन में रहते हैं, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री. अब पॉलिटिकल पार्टीज में क्या प्रॉब्लम आती है कि सबसे पहले जानते हैं पॉलिटिकल पार्टीज क्या है. देखिए, हम लोगों के पास एक प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, इसके अलावा बहुत सारे एमएलए हैं, एमपीज हैं, इसके अलावा छोटे छोटे मिनिस्टर्स हैं. तो ये सब कहाँ से आते हैं या ये बॉडी कैसे बनती है. फिर आपने एक वर्ड सुना होगा ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे. तो पहले जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या हैं. तो देखिए, जो हमारे ऊपर रूल करते हैं, रूल का मतलब ऐसे नहीं कि वो हमसे कुछ भी बोले वो हमें मानना पड़ता है, यानी कि एक डेमोक्रेटिक सेंस में रूल करते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज बोलते हैं. अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पीपल्स हु होल्ड सिमिलर व्यू ऑन द पॉलिटिकल इश्यूज ऑफ द कंट्री. अब देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं. पॉलिटिकल पार्टीज वो पार्टीज होती हैं जो उसमें कुछ लोग क्या है, एक सेम व्यू रखने वाले लोग जो कि क्या होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं. इसके अलावा अगर हम बात करें, एक ही मुद्दे पर लड़ने की कोशिश करते हैं और लोगों की प्रॉब्लम्स को समझते हैं. तो ऐसे लोग क्या करते हैं, 8 से 10 लोगों का एक ग्रुप बनाते हैं और उससे अपनी एक पार्टी फॉर्म करते हैं जिसको वो नाम देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज. यहाँ तक क्लियर है. अब पॉलिटिकल पार्टीज की बेसिकली जरूरत क्यों होती है कंट्रीज में, ये जानते हैं. तो आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे पास, सबके पास छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं या बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं. जैसे कि इंडिया में प्रॉब्लम है कि छोटे छोटे गांव कुछ ऐसे हैं जिनमें पानी नहीं आता, ठीक है. तो अगर कोई पढ़ा लिखा लड़का है या कोई पढ़े लिखे 4 से 5 कैंडिडेट हैं, तो वो क्या करते हैं कि 10-12-15 लोगों को जोड़ के अपनी वहाँ पे एक क्या है, पार्टी बना लेते हैं. और वो पार्टी से फिर क्या है, इलेक्शन लड़ते हैं, यानी कि चुनाव लड़ते हैं. इलेक्शन में जीत जाते हैं, लोग उन्हें वोट देते हैं किस उम्मीद में, इस उम्मीद में कि अगर हमारे गांव में पानी नहीं आ रहा है, ये इलेक्शन में जीत जाएगा, इसके पास पैसा आएगा, पावर आएगी, तो ये हमारे लिए कुछ अच्छा करेगा. तो उस चक्कर में क्या है, लोग उनको वोट देते हैं. तो आगे हम जानेंगे वो लोगों के लिए काम करते हैं या नहीं. और ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है. सेकेंड पॉइंट है, इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप सीकिंग टू गेन पावर थ्रू डेमोक्रेटिक मींस. अब डेमोक्रेटिक तरीके से क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज बनाई जाती हैं. लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इश्यूज बोलते हैं, जैसे कि हम हिंदुओं को सपोर्ट करेंगे, हम आपके घर में पानी देंगे, बिजली देंगे, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देंगे, आप बोलती आपको जितनी भी अच्छी हेल्थ केयर है, मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो देंगे. सबसे बड़ा जो आज का मुद्दा है वो है एम्प्लॉयमेंट की, आपको रोजगार देंगे. तो ये कुछ टॉपिक्स होते हैं लीडर्स के, जिससे कि क्या है, वो लोगों को क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि इलेक्शन में उन्हें वोट मिले और वो एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना पाए या खुद लीडर बन पाए, ठीक है. आगे बढ़ते हैं, बेसिक करेक्टर्स. अब बेसिक करेक्टर्स क्या होते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं बेसिक करेक्टर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल इश्यूज के क्या करेक्टर्स हैं, वो हम पढ़ रहे हैं. तो सबसे पहले आते हैं यूनिटी ऑफ पर्पस, यानी कि पार्टी बनाने का पर्पस क्या है. तो ये मैंने आपको भी वीडियो में बताया है, फिर भी पढ़ लेते हैं. अ पॉलिटिकल पार्टी कैन ओनली फंक्शन व्हेन ऑल इट्स मेंबर्स आर यूनाइटेड ऑन द इश्यूज एंड पॉलिसीज मैटर. अब देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी है. अब एक पॉलिटिकल पार्टी में सपोज 20 लोग हैं, तो 20 लोगों को सबसे पहले आपस में क्या रखनी पड़ेगी, एक यूनिटी रखनी पड़ेगी, ठीक है. यानी कि अगर कोई दूसरी पार्टी के लोग अगर उन्हें कुछ बोलते हैं, तो उनको यूनिटी में रह के एक ही बात कहनी पड़ेगी, ठीक है. पहला पॉइंट यहाँ क्लियर है. सेकेंड, ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ वर्किंग. अब पॉलिटिकल पार्टी तो हमने बना ली, 20 लोगों की हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन अब थोड़े से हमें काम करने के सिस्टम भी बनाने पड़ेंगे. कैसे, सपोज कोई पॉलिटिकल पार्टी है जिसका, मेरी एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका मैं मेन लीडर हूँ, तो मेन लीडर हूँ, मेन लीडर होने के साथ क्या है, मैं अपनी पार्टीज में जो अब 19 बचे हुए लोग हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट दूंगा, कि अगर कोई भी शिकायत लेके या कोई भी प्रॉब्लम में है वो मेरे तक आता है, तो तुम उसको एड्रेस करोगे. एड्रेस का मतलब है कि तुम उसको रिसीव करोगे, मेरे तक लेके आओगे और मैं उसकी प्रॉब्लम सुनूंगा, फिर उसकी प्रॉब्लम तुम नोटेड डाउन करोगे. कुछ लोगों का बेसिकली काम होता है
कि वो फील्ड में काम करते हैं, जैसे मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, पॉलिटिकल इश्यूज ऑफिस से संभाल रहा हूँ, बाहर का कोई मैटर है, जैसे कहीं पानी नहीं आ रहा है, कहीं पे बिजली नहीं आ रही है, कहीं पे रोड नहीं बने हुए हैं, तो वहाँ पे कुछ लीडर्स क्या करते हैं, जाके विजिट करते हैं, उस जगह का मुआयना करते हैं, और देखने के बाद उसको क्या है, कोशिश करते हैं कि इसको सही करा पाएं या लोगों को इससे प्रॉब्लम कम हो। ठीक है, आगे कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स इट शुड बी वर्किंग थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स टू अटेन इट्स ऑब्जेक्ट। अब कॉन्स्टिट्यूशन, हम बेसिकली डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हमारी प्रॉब्लम क्या है कि सारी चीज़ों के लिए कानून बना हुआ है हमारे यहाँ, कि अगर इलेक्शन में कोई भी, अगर किसी को अच्छा काम करना है बेसिकली, तो क्या करना पड़ेगा, या तो उसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए बेसिकली, वो IAS हो सकता है, वो आपका PCS हो सकता है, वो आपका IRS हो सकता है, इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकता है अच्छे काम के लिए, क्योंकि अच्छा काम आप कब करोगे, जब आपके पास पैसा होगा मोस्टली। कुछ लोग ऐसे होते हैं काम अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ मनी वो नहीं कर पाते लोगों का बनो। तो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स का क्या मतलब है कि हर पार्टी का क्या है, एक क्राइटेरिया होता है वर्क करने का, कि पहले आप जाएंगे पार्टी में, आप वोट देंगे पार्टी को, या फिर आप उसकी सदस्यता क्या है कि उसकी एक पावर लेंगे, उसके बाद आप पार्टी के मेंबर बनेंगे, तब जाके लीडर्स आपकी बात को सुनेंगे और कोशिश करेंगे आपका जो भी इशू है उसको शॉर्ट आउट करने की। ठीक है, आगे नेशनल इंटरेस्ट। अब पॉलिटिकल पार्टीज अक्सर वो डिसीजन लेती हैं जो लोगों के इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है, जैसे कि लोकसभा चुनाव हो गए, राज्यसभा चुनाव हो गए, या कोई भी लॉ है, जैसे कि अभी जो बेसिकली डिमोनेटाइजेशन हुआ था, हिंदी मीनिंग होता है नोटबंदी, आप लोगों ने 2017 में देखा था, नोटबंदी जिस टाइम पे हुई ना, तो वो लोगों को पूछ के नहीं की गई थी, तो मोस्ट ऑफ द पीपल ने क्या किया था कि इसका एक तरीके से अपोज किया था ये डिसीजन नेशनल गवर्नमेंट का, कि नहीं ये बहुत गलत हुआ है, क्योंकि लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा था, खुद का पैसा बैंक में था लेकिन लोग नहीं निकाल पा रहे थे, कुछ लोगों के घर में रिलेटिव्स बेसिकली, मतलब कुछ लोगों के घर में कनेक्टिविटी नहीं होती, तो वो अपना काम छोड़ के बैंक की लाइन में लगे थे। तो नेशनल पार्टीज वो होती हैं कि जो नेशनल इंटरेस्ट यानी लोगों के इंटरेस्ट को देखते हुए क्या है डिसीजन लेती हैं। लास्ट प्रोग्रामिंग एंड पॉलिसी, मैंने आपको बताई कि पॉलिसी वर्क करती है, हर पार्टी का एक मोटिव होता है, मोटिव कैसे होता है कि सपोज कोई पार्टी है कि हम क्या करेंगे, एक ग्रुप को पकड़ के चलेंगे, जैसे हिंदुत्व को हम बढ़ावा देंगे, हम लोग हिंदू हैं, हिंदू ही सभ्यता को मानेंगे, हम लोग मंदिर बनवाएंगे, कोई मस्जिद नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा हम लोग हिंदुओं के लिए काम करेंगे, और टोटल क्या करेंगे, पूरा एक हिंदी मेजोरिटी रहेगा और हमारी पार्टी में लोग भी हिंदू ही होंगे, ऐसा कुछ पॉलिसीज हैं। कुछ लोग सबको सेक्युलरिज्म का मतलब हो गया, सबको सेक्युलर करके चलते हैं कि नहीं हिंदू भी हमारे हैं, मुस्लिम भी हमारे हैं, सिख भी हमारे हैं, क्रिश्चियन ईसाई बेसिकली जो हैं वो भी हमारे हैं, और हम सबका विकास करेंगे, सबको एक साथ में लेके चलेंगे और क्या करेंगे, सबका डेवलपमेंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब ये क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज बेसिकली जो बनती हैं, तो इनको सर्टिफाई कौन करता है, आप लोगों ने हर चीज में देखा होगा एक सर्टिफिकेशन साइन होता है, आप मार्केट से कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेते हैं तो ISI होलमार्क लग के आता है। ठीक है, इसके अलावा जागो ग्राहक जागो, मैंने कंज्यूमर अवेयरनेस वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया है, तो वैसे ही पॉलिटिकल पार्टीज के लाइसेंस कौन इशू करता है, तो एक इंडिया में इंडिपेंडेंट कौन है, कमीशन होता है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI, एक बॉडी होती है, ये बॉडी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, इलेक्शन के टाइम पे ये बॉडी ना तो प्रेसिडेंट की सुनती है, ना ही प्राइम मिनिस्टर की, और ना ही किसी स्टेट के CM की, क्योंकि अगर सपोज आज अगर नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो अगर आज कहीं पर भी इलेक्शन होता है तो इलेक्शन कमीशन को बोलेंगे कि भाई मेरी पार्टी जीतनी चाहिए BJP, इसके अलावा आप किसी और पार्टी को नहीं जिता सकते, तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं रहा ना, फिर हम डेमोक्रेसी से बाहर चले गए, हम डेमोक्रेटिक हो गए यानी कि डेस्पोटिक हो गए, तानाशाह हो गए, कि जो डिसीजन हमने बोल दिया वही होगा, तो ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्या है, द इलेक्शन कमीशन ग्रांट्स रिकॉग्नाइजेशन टू अ पॉलिटिकल पार्टी, द पॉलिटिकल पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी इज ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड इन फोरेन स्टेट। अब क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है, पार्टी पहले पार्टी की स्ट्रेंथ देखता है, अगर किसी पार्टी की स्ट्रेंथ 250 मेंबर्स से ज्यादा की है, ठीक है, तो वो उसको स्टेट पार्टी, बेसिकली पार्टियां दो टाइप की होती हैं, एक स्टेट पार्टी एक नेशनल पार्टी, आगे बताऊंगा मैं आपको, तो जिस भी पार्टी की स्ट्रेंथ 250 होती है उससे ज्यादा, तो उसको बेसिकली क्या माना जाता है, स्टेट पार्टी माना जाता है,
और किसी भी पार्टी की स्ट्रेंथ 500 से ऊपर की होती है तो उसको हम क्या मानते हैं, इसको उसको बेसिकली हम मिनिस्टर्स की स्ट्रेंथ उसको हम नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज करते हैं। अब क्या है, ऐसा नहीं है कि स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी में अगर 500 मेंबर्स हैं तो वो नेशनल पार्टी हो गई, नहीं, कुछ क्राइटेरिया भी है। वो क्राइटेरिया क्या है, नेशनल पार्टी बनने के लिए आपको कम से कम 4 स्टेट्स में अपने चुनाव लड़ना जरूरी है। यानी कि अगर आज मैं बात करूँ समाजवादी पार्टी की, जो सपा SP हम जिसको बोलते हैं, वो एक स्टेट पार्टी है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती है। अभी 2017 में इलेक्शन हुआ था, उसने बिहार में भी चुनाव लड़ा था, तो सिर्फ 2 स्टेट में उसने चुनाव लड़ा, लेकिन वो रहेगी क्या, वो रहेगी सिर्फ आपकी पॉलिटिकल स्टेट पार्टी, क्योंकि क्राइटेरिया क्या कह रहा है, नेशनल पार्टी बनने के लिए कम से कम 4 स्टेट्स में क्या है, पार्टी का क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और उसको चुनाव लड़ना चाहिए उस टाइम पे, ठीक है। तो बात करूं मैं बीजेपी की, तो बीजेपी क्या है, एक नेशनल पार्टी है, या कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है। ये लोग स्टेट में, मतलब कंट्री में कहीं पे भी चुनाव हो रहे हैं तो हर स्टेट में लड़ते हैं, ये मध्य प्रदेश में लड़ते हैं, बिहार में लड़ते हैं, उत्तर प्रदेश में भी लड़ते हैं, दिल्ली में भी लड़ते हैं, इसके अलावा ये पंजाब में भी लड़ते हैं। तो 4 से ज्यादा या 4 स्टेट्स में जो पार्टी बेसिकली क्या है लड़ती है चुनाव, उनको बोलते हैं नेशनल पार्टीज। 4 से नीचे वाली जो पार्टीज होती हैं या जो एक ही स्टेट में चुनाव लड़ती हैं उनको बोलते हैं हम क्या, स्टेट पार्टीज, ठीक है। दूसरा क्या है, बिसाइड दिस द कैंडिडेट सेट अप बाय योर पार्टी शुड सिक्योर 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। अब कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि कोई कैंडिडेट किसी पार्टी का है और वो खड़ा हुआ है, तो इलेक्शन जीतने के लिए उसको क्या है, दूसरे कैंडिडेट से 6% ज्यादा वोट होने चाहिए, यानी कि उसको टोटल मेजोरिटी का जो वोट डालने आए जितने लोग उनका 6% क्या है मिलना चाहिए वोटिंग सेंस में, तब जाके वो पार्टी में इलेक्ट होगा या जो इलेक्शन है उसमें जीतेगा, ठीक है। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स, जो वोटिंग होती है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन राइट में आती है, तो जब आप इंडियन पॉलिटी की तैयारी करेंगे आगे आफ्टर 12th, तो आपको आर्टिकल्स पढ़ने मिलेंगे कुछ, आर्टिकल 1 to 10 क्या है, टोटल जो आर्टिकल्स बेसिकली हमारे होते हैं दैट इज अकॉर्डिंग टू मी दैट इज 392, ठीक है। तो आर्टिकल्स में बेसिकली क्या है, आर्टिकल 19 हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये पार्टी का सिंबल है, ये कौन सी पार्टी है, ये इंडिया की सबसे ओल्ड पार्टी है जिसका नाम है INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सोनिया गांधी और राहुल गांधी वाली कांग्रेस, एग्जैक्टली। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, ये मैंने ओल्ड डेटा कंसिडर किया है, रीजन ये है कि ओल्ड चीजों से आपको ना पार्टी की स्ट्रेंथ और पार्टी की हिस्ट्री भी पता चलेगी इसमें, कि पार्टी में कब कौन रहा है, जो आपको पुराने चेहरे हैं वो सारे आपको याद हैं, आपने सुने होंगे, पढ़े होंगे, ये करेंट का डेटा नहीं है, इनमें से ये डेटा जो है वो करेंट का नहीं है। तो वीडियो जब भी आप देखें आप करेंट की बेसिकली क्या है, मिनिस्टर्स के नाम याद रखें। तो बात करते हैं चेयरपर्सन, तो चेयरपर्सन इस पार्टी की कौन है, सोनिया गांधी। ये पार्टी 1885 में फॉर्म्ड हुई है, एओ ह्यूम जो भी एक ब्रिटिश बेसिकली कौन थे, गवर्नर थे, उन्होंने ये पार्टी फॉर्म करी थी, फॉर्म का मतलब ये पार्टी बनाई थी, कब बनाई थी, 1885 में, ठीक है। तो चेयरपर्सन अभी प्रेजेंटली कौन थी इसकी, सोनिया गांधी थी, रिसेंटली राहुल गांधी को बनाया गया। आगे फिर ये कुछ पुराना डेटा है मैंने आपको दिखाया, फाउंडेड कब पार्टी बनी, ये बनी 1885 में। ECI स्टेटस, अब ECI का क्या मतलब है, ECI का मतलब है स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि जो मैं आपको भी समझा रहा था, मतलब ये पार्टी कौन सी पार्टी है, ये नेशनल पार्टी है, ये स्टेट में या पूरी कंट्री में कहीं पे भी चुनाव लड़ सकती है, किसी भी स्टेट में, बिहार में या फिर इसके अलावा उत्तर प्रदेश में, भोपाल में, इसके अलावा उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, कहीं पे भी ये चुनाव लड़ सकती है ये वाली पार्टी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बेसिकली इसके कुछ फीचर्स जानते हैं कि पार्टी रही क्या है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी, मैंने आपको बताया कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, कब फॉर्म हुई थी, 1885 में फॉर्म हुई थी, लार्जेस्ट पार्टी है उस टाइम पे थी, सबसे ज्यादा मेंबर लोकसभा में भी थे और सबसे ज्यादा मेंबर राज्यसभा में भी रहे हैं। किसके अंडर ये पार्टी सबसे ज्यादा ग्रो करी, ये पार्टी सबसे ज्यादा ग्रो करी जवाहरलाल नेहरू के अंडर, जो जवाहरलाल नेहरू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स यानी कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो थे उनके टाइम पे सबसे ज्यादा इस पार्टी ने क्या किया, सबसे ज्यादा ये आगे की तरफ बढ़ी, यानी कि इसने प्रोग्रेस करी।
और आगे क्या है इसमें, इस पार्टी ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लॉज बनाए और उन्हीं लॉज को क्या है अमिट किया गया। अमिटमेंट का मतलब होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था उसमें संशोधन करा गया और लॉज के थ्रू क्या है आज वो लॉज इंडिया में चल रहे हैं या उन्हीं के थ्रू उन लोग वर्क करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, द नेक्स्ट इज बीजेपी। बीजेपी क्या है, अभी करेंटली ये नाम सबने सुना होगा, दैट इज भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, ये बेसिकली पार्टी वही अटल बिहारी वाजपेयी जी वाली पार्टी है और करेंटली नरेंद्र मोदी जी की ये पार्टी है जो कि स्टेट और सेंट्रल दोनों में भी हमारे यहाँ वर्क कर रही है। स्टेट मीन्स उत्तर प्रदेश, सेंट्रल मीन्स पूरे इंडिया में भी बीजेपी की ही गवर्नमेंट है। आगे तो अगर बीजेपी की बात करें तो ये डेटा पुराना है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आप जब भी नोटेड डाउन करेंगे करेंटली डेटा आप सर्च करेंगे, उसके बाद मैं सिर्फ आपको जो फॉर्मर चीफ रहे हैं उनके बारे में समझा रहा हूँ। चेयरपर्सन जो बेसिकली थे इसके फर्स्ट जो थे बेसिकली वो सुब्रमण्यम जी थे, बताऊंगा मैं भी आगे कैसे। अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्टी को बहुत आगे बढ़ाया लाल कृष्ण आडवाणी जी ने। उसके बाद राजनाथ सिंह बेसिकली इसके एक टाइम पे रजिस्टर्ड कौन थे, चेयरपर्सन थे। ठीक है, कब फॉर्म हुई थी पार्टी, 1980 में पार्टी फॉर्म हुई। ECI स्टेटस का क्या मतलब है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्टेटस है कि ये भी हमारी नेशनल पार्टी। आगे अब बात करते हैं क्या है, बताया था मैंने आपको 1980 में फॉर्म हुई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये पार्टी बनाई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बेसिकली RSS से जुड़े थे, अभी मोहन भागवत जो RSS के हेड हैं, राष्ट्रीय स्वयंवर सिंह RSS बेसिकली, ये उन्हीं के नाम पे बेसिकली क्या चलता है, ये संघ चलता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आगे इस पार्टी का सीधा सीधा मोटिव था कि ये लोग हिंदुत्व को बढ़ावा देते हैं, यानी कि हिंदू प्रोपोगेंडा इस पार्टी का सबसे बड़ा प्रोपोगेंडा है कि हिंदुत्व को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। राम मंदिर बेसिकली अभी जो है वो इनबिल्ड चल रहा है काम उसका। इसके अलावा 370 जो बेसिकली क्या है एक बहुत पुराना 493 पुराना क्या था इशू था, उस गवर्नमेंट ने अभी उसको क्या किया है दूर किया है। ट्रिपल तलाक उसको एक रेजोल्यूशन दिया है इस गवर्नमेंट ने। तो मोस्टली क्या है कि हिंदुत्व इनकी पार्टी में है कि हम हिंदुओं के लिए क्या है काम करेंगे। और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि कंट्री जो है डे बाई डे जो आगे बढ़ रही है वो इसी प्रिंसिपल पर आगे बढ़ रही है कि छोटे छोटे सेंशंस में छोटी छोटी जगह पर डेवलपमेंट चार्ज छपते हैं, डेवलपमेंट के बारे में बताया जाता है कि ये चीज़ डेवलप होगी और जिस पर लोग और पार्टीज डिफरेंट डिफरेंट वर्क कर रहे हैं। आगे CPI दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब CPI क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये आप बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी इसलिए है ये पार्टी कि ये कभी कभी बेसिकली इलेक्शंस लड़ती है, मतलब रेगुलरली 5 साल में इलेक्शन नहीं लड़ती, 10 साल में 1 बार लड़ लिया, 15 साल में 2 बार लड़ लिया, 20 साल में 2 बार लड़ लिया, यानी कि टाइम पीरियड के बाद। फाउंड हुई थी 1964 में और करेंट इसका स्टेटस है रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी, यानी कि रिकॉग्नाइज्ड उसके आगे लगता है जो कंटिन्यू चुनाव नहीं लड़ता, यानी कि एक गैप के बाद चुनाव लड़ती है जो पार्टी उसको बोलते हैं रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी। आगे बात करते हैं, फाउंडेड इन 1964, मैंने आपको बताया कि 1964 में ये पार्टी बनी। इसका पूरा प्रोपोगेंडा सिर्फ एक ही प्रोपोगेंडा था कि ये पार्टी सेक्युलरिस्ट पार्टी है, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी रही है। क्या करते हैं कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये लोग सबको अपनी पार्टी में क्या है शामिल करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट देते हैं और पूरी कंट्री में सेकुलरिज्म को क्या करते हैं मोटिव देते हैं, बढ़ावा देते हैं। आगे आप लोगों ने एक एलिफेंट की इमेज बनी हुई देखी होगी, ये एलिफेंट इमेज बेसिकली समझ में आ रहा होगा, ये हाथी का सिंबल है और ये पार्टी है BSP बहुजन समाज पार्टी। पढ़ते हैं क्या है, ये चेयरपर्सन जी मायावती जी हैं, करेंटली भी मायावती जी हैं। तो बेसिकली क्या है कि चेयरपर्सन नहीं है मायावती। फाउंड कब हुई थी ये पार्टी, 1984 में ये पार्टी फाउंड हुई और ये यूपी की सबसे फेमस पार्टीज में से एक है, उत्तर प्रदेश की सपा और बसपा बेसिकली ये सबसे फेमस पार्टीज हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये नेशनल पार्टी है, यानी कि मायावती जी कहीं पे भी पूरी कंट्री के अंदर चुनाव लड़ सकती हैं क्योंकि ये पार्टी एक नेशनल पार्टी है। ये बिहार से चुनाव लड़ती है, उत्तर प्रदेश से लड़ती है, इसके अलावा हरियाणा से लड़ती है और शायद पंजाब में भी अभी एक इलेक्शन हुआ था 2013 में, वहाँ पर भी इस पार्टी ने क्या किया था, ये पार्टी बेसिकली वहाँ पर एक इलेक्शन लड़ी है। आगे फाउंडेड इन 1984, मैंने आपको बताया किसके लीडरशिप में, काशीराम जी, काशीराम की लीडरशिप में क्या किया है, यानी ये पार्टी के फाउंडर कौन है, काशीराम। 1984 में इन्होंने पार्टी फॉर्म की।
इस पार्टी का बेसिकली मोटो क्या है कि ये सबसे ज्यादा गरीब जो पिछड़े हुए लोग होते हैं, जैसे कि एससी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, या इसके अलावा मैं बात करूं आपका ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट, तो इनका सीधा सीधा मोटिव क्या है, मैं कहूंगा हरिजन, यानी कि जो लोग बहुत गरीब होते हैं, भगवान के बच्चे, मैं बोल सकता हूँ हरिजन का मीनिंग होता है जिनको अनाथ बेसिकली ऑर्फन्स होते हैं, वो गांव में बहुत ज्यादा जिसकी गरीबी है, या टाउन छोटे छोटे जहाँ पर रोड्स नहीं बने हैं, तो सबसे छोटे जो लोग छोटे वर्ग के लोग होते हैं ग्रुप्स के, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, ओबीसी के, वो मोस्टली लोग इस पार्टी को, इस पार्टी से बिलोंग करते हैं, और मोस्टली वो इसी जो पार्टी को मिलता है वो इन्हीं लोगों से मिलता है। ठीक है, आगे नेशनल कांग्रेस पार्टी, वो बेसिकली एक सिंबलिस्ट पार्टी है, कहने का मतलब है कि ये पार्टी बेसिकली क्या है, 1999 में फॉर्म हुई, फॉर्म होने के बाद इन्होंने गांधी जी का एक थ्योरी अपनाई, गांधी जी का जो एक विचार था कि इंडिया में क्या है, हर जगह सेक्युलरिज्म होना चाहिए, लोगों में भेदभाव नहीं होना चाहिए, हर एक कोई भी गवर्नमेंट है उसको लोगों के लिए काम करना चाहिए, कोई भी डिसीजन लेने से पहले लोगों की बात पूछनी चाहिए, लोगों का ओपिनियन जानना चाहिए, तब जाकर डिसीजन लेना चाहिए, तो ये पार्टी उस पर वर्क करती है। लास्ट में बेसिकली बात करते हैं, ओके सो एक एडिशनल नॉलेज मैं आपको देना चाहूंगा, बेसिकली हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, और उत्तर प्रदेश में रहने के साथ क्या है, हमारी जो पार्टी है हमारे स्टेट में वो थ्री पार्टीज लड़ती है, कौन कौन सी, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, और कांग्रेस भी लड़ती है, चार पार्टीज हैं, लेकिन हमारे यहाँ बेसिकली तीन पार्टियाँ काफ़ी फेमस रहती हैं, ये बीएसपी, एसपी और भाजपा बीजेपी। अब इसमें होता क्या है ये मैं आपको बात आगे समझाता हूँ, तो सुनिए, एडिशनल नॉलेज में क्या है, समाजवादी पार्टी जो है वो एक स्टेट पार्टी है, वहीं पे बीजेपी और बीएसपी दोनों नेशनल पार्टी है, वैसे एक पार्टी आम आदमी पार्टी है जो अभी अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी है दिल्ली के अंदर, वो भी स्टेट पार्टी है, यानी कि सिर्फ दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ती है, तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, जो पार्टी एक ही स्टेट में चुनाव लड़ती है या मोस्टली तीन स्टेट में चुनाव लड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टेट पार्टी, चार में चुनाव लड़ लिया या चार से ज्यादा किसी स्टेट में चुनाव लड़ लिया तो वो पार्टी इलेक्शन कमीशन में जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराती है और उसको नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। आई होप सो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, थैंक यू वेरी मच क्लास।